नमस्कार दोस्तों, मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और एक बार मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है BPNL में और BPNL रिक्रूटमेंट के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं इसके बारे में, ये क्या है BPNL। BPNL एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड। सो इस भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में नौकरी की, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है सिर्फ बैचलर्स लोगों के लिए, डिग्री होल्डर्स के लिए। जिनके पास बैचलर डिग्री है वो वहाँ पे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी प्यारे दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, अगर इस चैनल पर आप नए हो, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में यहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे BPNL रिक्रूटमेंट के बारे में, जहाँ पे डिग्री होल्डर्स के लिए काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। उसके पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो में दी जाने इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन करते समय पूरी जानकारी देने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गंवाए, और देखते हैं क्या है प्रोसेस। तो ये है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं। ये है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, जिसको हम BPNL बोलते हैं। वहाँ पे 2325 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं। और क्या होगा, किसके लिए ये एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं, जैसे कि प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर, प्लानिंग एंड ब्रॉडकास्ट ऑफिसर एंड प्लानिंग असिस्टेंट्स के लिए। और नंबर ऑफ पोस्ट है 2325 जिसके लिए एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं। और एप्लीकेशंस कहाँ पे मंगवाए जा रहे हैं, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BPNL। तो इस बड़े संस्थान में, सेंट्रल गवर्नमेंट के संस्थान में 2325 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं। और वहाँ पे एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशंस के लिए क्वालिफिकेशन है बस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। देखते हैं हम क्या है, एप्लीकेशन कब शुरू हो चुके हैं, एप्लीकेशंस भरवाना शुरू हो चुका है 17 नवंबर 2021 से, और आखिरी तारीख है एप्लीकेशन भरवाने की 30 नवंबर 2021। मेरे प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी इस एप्लीकेशन को भरवा दें, ताकि आपको ये मौका आपके हाथ से ना चला जाए। और जो भी हमें एप्लीकेशन भरवाना है वो ऑनलाइन ही होगा, और एप्लीकेशन शुरू है 17 तारीख को, एंड होगा 30 नवंबर 2021 को। और देखते हैं हम कितने पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे कि मैंने बोला, वहाँ पे 2325 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं। तो देखते हैं, प्लानिंग और कम्युनिकेशन ऑफिसर की 75 पोस्ट्स हैं, प्लानिंग ब्रॉडकास्ट ऑफिसर की 375 पोस्ट्स हैं, और प्लानिंग असिस्टेंट इस पद के 1875 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 2325 पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस मंगवाए जा रहे हैं, जिसका शुरू होने का तारीख था 17 नवंबर 2021, और ख़त्म होने वाला तारीख है, एंड डेट है जहाँ पे एप्लीकेशन मंगवाना बंद हो जाएगा, वो है 30 नवंबर 2021। मेरे सभी प्यारे दोस्तों से दरख्वास्त है, आप जल्दी से जल्दी इसको एप्लीकेशन भरवाना शुरू कर दें, ताकि हमारे पास जो भी दिन है उसमें हम ये कंप्लीट कर सकें। तो देखते हैं क्या है, अगर हमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करना है तो ये है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जिसको हमें याद रखते हुए आगे जाना है। अगर जो द कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइंग फॉर, जो प्लानिंग कमीशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन है, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और जो कैंडिडेट प्लानिंग ब्रॉडकास्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 12th होना ज़रूरी है, और वही एक क्वालिफ़िकेशन है, और साथ ही में उनको डिप्लोमा इन मार्केटिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जो कैंडिडेट प्लानिंग असिस्टेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 10th होगा तो भी चलेगा। तो क्वालिफ़िकेशन और एक बार मैं बता दूंगा, जो कैंडिडेट प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। जो प्लानिंग ब्रॉडकास्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 12th होना ज़रूरी है, और जो प्लानिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास बस 10th पास होना ज़रूरी है। तो ये है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपको इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से देखना है और आगे जाना है।
यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर एज लिमिट की हम बात करेंगे तो एज लिमिट भी पोस्ट के हिसाब से चेंज होता नज़र आ रहा है। अगर आप प्लानिंग कमीशन के लिए प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 25 से लेकर 45 तक होना ज़रूरी है। प्लानिंग ब्रॉडकास्ट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 21 से लेकर 40 तक, और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 21 से लेकर 40 तक आपकी एज होना ज़रूरी है। उसके बाद बारे में हम बात करेंगे एज लिमिट की और पैटर्न की, क्या होगा पैटर्न, कैसी होगी एग्ज़ाम, BPNL रिक्रूटमेंट 2021 में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाएंगे। सिलेक्शन के लिए तीन पैरामीटर्स वहाँ पे उन्होंने रखे हैं। पहला है रिटन टेस्ट, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा है इंटरव्यू। इन तीन चीज़ों से हर एक कैंडिडेट को गुजरना है, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होगा और नौकरी मिल सकती है। तो पहला है रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तीसरा है इंटरव्यू। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी कितनी मिलेगी और सैलरी क्या होगी। प्लानिंग कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए 25,000 सैलरी है, प्लानिंग ब्रॉडकास्ट ऑफिसर के लिए 22,000 सैलरी है और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए 20,000 तक सैलरी मिलने वाली है। तो आगे जाते हैं और देखते हैं क्या है वो ऑफिशियल लिंक जहाँ पे हमें जाके अप्लाई करना है। तो ये है ऑफिशियल लिंक, अगर वहाँ पे हम जाएंगे तो ये हम वहाँ पे जाकर अप्लाई कर पाएंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप इस लिंक को याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा और इसके हिसाब से वहाँ पे जाके ऑनलाइन अप्लाई आपको करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको BPNL में जो भी है, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, आपके दोस्तों में, रिलेटिव्स में करना ना भूलिएगा। साथ ही में वीडियो के बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा ताकि हम इसको और बेहतरीन तरीके से बना सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये चैनल के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, अच्छी लगी है, आपको अगर लाइक हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही में वहाँ पे जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने आप मिलती रहेंगी। आज के इस वीडियो में हमने BPNL के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन ली, मुझे लगता है अच्छा लगा है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इतना ही देखा, तब आने और आपने जो देखा उसके लिए थैंक यू। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई बात, अलग बात, जॉब के बारे में, करियर के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, रिसर्च के बारे में और स्टडी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।